असलमेक माई डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल लर्न ग्रामर लेसन नंबर सेवन नाउंस पजिशन यू नो वॉट इज़ पजिशन पजिशन इज यूज टू शो बिलोंगिंग और रिलेशन पजिशन क्या बताता है दो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन जैसे कि ये पेन टीचर का है तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे दिस पेन इज़ बिलोंग्स टू टीचर और पजेशन नाउन में कैसे बोलेगे दिस इज टीचर्स पैन तो उसमें क्या लगा एफोस्टोफी एस तो वो हमको क्या दिखाता है पजिशन नाउन लेट सी हाउ वी एड एन एफोस्टोफी एस टू मेक अ सिंगुलर नाउन पजिशि टू दैट शो धेर इज समलिंग बिटवीन टू नउ्स मीन्स हमको अगर सिंगुलर नाउन है उसका पजेसिव फॉर्म बनाना है तो उसमें हमको एफोस्टोफी उस एस लगाना होता है एफोस्टोफी एस कैसे होता है सी दिस इज अ एफोस्टोफी एस दिख रहा है आपको और ये हमको बताता है कि दो नाउन के बीच में आ, कुछ भी लिंक है फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अमिनाज कैप ये कैप अमेना की है दिस मीन्स दैट द कैप बिलोंग्स टू अमेना इसका मतलब ये हुआ कि के यह कैप है वो अमेना से बिलोंग करती है शी ओन सीट मतलब ये उसकी है इट डज नॉट बिलोंग टू मैक ये मैक की मतलब मैक को बिलोंग करती नहीं है समझ में आया नेक्स्ट दिस इज समराज हाउस ये हाउस समीरा का है दिस means दैट द हाउस बिलोंग्स टू समीरा शी ऑन it. इट डज नॉट बिलोंग टू रघु ये हाउस समीरा का है समीरा को बिलोंग करता है और ये हाउस रघु को बिलोंग करता नहीं है अगर हमसे बिलोंग बिलोंगिंग चीज़ों की बात करनी होती है तो हमको एफोस्टोफी एस लगाना है अंडरस्टूड एक्सरसाइज ए पेज नंबर थर्टी वन रीड द सेंटेंसेस इन ए कंप्लीट द सेंटेंसेस इन बी यूजिंग एफोस्टोफी एस हमको ए में थोड़े सेंटेंस दिए हैं उसको हमको बी में एफोस्टोफी एस की हेल्प से फील करने हैं ए नंबर वन दिस बुक बिलोंग्स टू अन्ना तो हमको पजेसिव फॉर्म बनाना है इट इज़ अन्नाज बुक

क्वेश्चन नंबर वन हु आर दिस मतलब ये बैग किस की है करण की है या जेनिफर की सो so, ये जेनिफर की है तो आंसर क्या आएगा दिज आर जैनिफर्स बैग नंबर टू वूज दिस मतलब ये हैड किस की है दिज इज कर ऐसे ही आपको एक्सरसाइज बी पूरी फील करनी है वैन वी वॉन्ट टू से दैट समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन वी यूज ओनली एफोस्टॉफी आफ्टर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन हमको इसका मतलब क्या हुआ अगर हमको प्लूरल नाउन का एफोस सॉरी प्लूरल नाउन का पॉजिशिव नाउन में बदलना है चेंज करना है तो हमको सिर्फ एफोस्टॉफी लगाना है दिस इज़ द साइन ऑफ एफोस्टॉफी फॉर एग्जाम्पल्स माई सिस्टर्स बुक द बुक्स बिलोंग्स टू वन सिस्टर ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है माई सिस्टर्स बुक जो हम सिंगलर नाउन में यूज़ करते हैं अभी प्लूरल नाउन में हम कैसे यूज़ करेंगे माय सिस्टर्स बुक्स मतलब हमने एफोस्टोफी कहाँ पे लगाया एस के बाद यहाँ पे कहाँ है एस से पहले समझ में आया द बुक्स बिलोंग टू मोर देन वन सिस्टर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बुक एक ही सिस्टर की थी और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक से ज़्यादा जो सिस्टर्स है उन लोगों की बुक्स है तो हमको सेंटेंस फॉर्म ऐसे करना है अंडरस्टूड हियर आर अ फ्यू मोर एग्जांपल द कैट्स बाउल एक ही कैट है एक ही बाउल है वो किसका है कैट का फिर द कैट्स बाउल मतलब टू कैट है वन बाउल है तो कैट टू हो गई तो एस लगेगा तो पीछे क्या आएगा सिर्फ एफोस्टोफिका साइन आएगा एस आएगा नहीं नेक्स्ट वी एड एन एफोस्टोफी एस टू अपलूरल नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस टू मेक इट पजिसिव मतलब क्या हुआ के हमको प्लूरल नाउन जो एस एस से एंड नहीं होता उसको पॉजिटिव फॉर्म में बदलने के लिए हमको एफोस्टोफी लगाना है हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स द मैंस क्लोथ्स द मैंस क्लोथ्स मतलब क्या हुआ देखो इधर वन मैन है मतलब एफोस्ट्रॉफी एज इधर आएगा और इधर इतने सारे मैन हैं तो हम उसको मैं नहीं बोलेंगे उसका स्पेलिंग कैसे चेंज होगा एम ए एन मैन मतलब वन मैन एम ई एन मैन मतलब बहुत सारे मैन तो हम उसमें एफोस्ट्रॉफी एज लगाएंगे समझ में आया अगर अगर स्पेलिंग के अंदर जो चेंज होता है उसमें हम एफोस्टोफियस एस लगाएंगे प्लूरल नाउन में अगर एंडिंग एस से होता है प्लूरल नाउन में तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे सिर्फ एफोस्टोफी का साइन लगाएंगे नेक्स्ट एग्जांपल द चाइल्ड टॉय मतलब टॉय चाइल्ड का है द चिल्ड्रंस टॉयज मतलब ये टॉयज वो चिल्ड्रन के है एक से ज़्यादा चाइल्ड की बात की मतलब चिल्ड्रन की बात की तो वो ऐसे वो एंडिंग में उसका एस आता है नो उसका स्पेलिंग चेंज हुआ यस तो उसमें क्या लगेगा एफोस्टोफी एस आपको समझ में आ रहा है नाउ एक्सरसाइज सी पेज नंबर थर्टी टू लुक एट द पिक्चर एंड राइट एफोस्टोफी एस इन द राइट प्लेस टू डिस्क्राइब द पिक्चर्स वन हैं हैं एक्स मैनी हैंड्स द हैंस एक्स देखो आपको इधर समझ में आया अगर हैन एक है तो उसके पीछे एफोस्ट्रॉफी एस लगेगा और इतनी सारी हैंड्स है तो उसके पीछे एफोस्टोफी एस नहीं लगेगा सिर्फ एफोस्ट्रॉफी का साइन लगेगा नेक्स्ट वन डॉग द डॉग्स कैनल मतलब एक एक ही डॉग है तो उसके पीछे एफोस्टोफी एस लगेगा मोर देन वन डॉग मतलब एक से ज्यादा डॉग है द डॉग्स कैनल मतलब एक से ज्यादा डॉग है तो उसके पीछे सिर्फ एफोस्टोफी लगेगा एस लगेगा नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज डी पेज नंबर थर्टी थ्री लुक अराउंड यू लुक फॉर फाइव थिंग्स एंड आइडेंटिफाई वू दे बिलोंग टू राइट देम मतलब क्या पता है आप आपके आसपास देखो और पांच कोई चीज़ को आप नोटिस करो और लिखना है इधर मैंने थ्री चीज़ें लिखी है आपको टू चीज़ अपने हाथ से लिखना है नंबर वन रियाज़ पेंसिल मतलब ये पेंसिल रिया की है नंबर टू मोनाज पेन ये पेन मोना की है नंबर थ्री मैम्स कबर्ड ये जो कबर्ड है वो मैम का है आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ अगर सिंगुलर नाउन है और आपको पजेसिव फॉर्म बनाना है मतलब पजेसिव नाउन उसको बनाना है सो सिंगुलर में एफोस्टोफी एस लगेगा अभी प्लूरल नाउन की बारी प्लूलर प्लूरल नाउन है और वो एस एस से एंडिंग होता है तो उसमें सिर्फ एफोस्टॉफी लगेगा अगर प्लूरल नाउन है और वो एस से एंडिंग नहीं होता तो उसमें एफोस्टोफी एस लगेगा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि लाला